अगली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पुलिस ने 10 लोगों को 23 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सिरोल पुलिस ने उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर ग्वालियर आए 10 लोगों को 23 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर शहर की सिरोल पुलिस ने नरेला दिल्ली के दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे में 23 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह लोग उड़ीसा तरफ से गांजे की यह खेप लेकर ग्वालियर आए थे और सत्यम होम्स तिराहे के पास किसी का इंतजार कर रहे थे। इस बीच पुलिस को आरोपियों के बारे में जानकारी मिल गई। पुलिस ने घेराबंदी करके शाकिर और माजिद नाम के दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गांजे को लाने और खपाने के बारे में आरोपियों से जानकारी हासिल कर रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बरामद गांजे की कीमत 50,000 से ज्यादा बताई गई है। यह गांजा एक प्लास्टिक और पिट्ठू बैग में भरा हुआ था। देखे मध्य प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ मैगजीन कृष्णकांत रजक की रिपोर्ट। सर, सिरोल थाना पुलिस द्वारा दो बदमाश पकड़े हैं, गांजा तस्कर हैं, कितना मामला है? ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों के विरुद्ध फायर आर्म्स, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जो है कल मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि सिरोल बाईपास पर दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर किसी को बेचने आए। उक्त सूचना पर सिरोल थाना प्रभारी व वहाँ की पुलिस स्टाफ ने घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उनके दोनों के कब्जे से जो है एक बोरी पिट्टू बैग भी था और एक बोरी था। बोरी में जब चेक किया तो उसमें 23 किलो गांजा मिला। धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत गांजा जब्त किया गया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, गांजा कहाँ से लाए थे और जहाँ किसको देने आए थे। दोनों आरोपी जो हैं नरेला दिल्ली क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक का नाम साकिब है, एक का नाम माजिद है। दोनों बाईपास से उतरे थे और वहाँ पर गांजा मादक पदार्थ बेचने के लिए किसी को डिलीवरी देने के लिए आए थे। कितनी कीमत का होगा? कीमती करीब 2.5 लाख रुपये है।